सोनिया गांधी पर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण पकड़ा गया, रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़े गए संत कालीचरण बागेश्वर धाम में किराए में घर लिया था। संत कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी, गोडसे को किया नमन। धर्मगुरु कालीचरण महाराज के खिलाफ थाने में FIR दर्ज, महात्मा और नेहरू के खिलाफ बयान देने वाला वीडियो वायरल। देश के कई शहरों में कालीचरण के खिलाफ केस, विवादित बयान को लेकर दर्ज कराई गई थी शिकायत। तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों से शुरू हुई देश में तीसरी लहर की आहट, राज्य सरकारों ने लोगों को दी सतर्क रहने की नसीहत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने माना मुंबई में शुरू हो गई तीसरी लहर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई में एक दिन में दोगुने हो गए कोरोना के केस, 24 घंटे में सामने आए 2510 नए मरीज। मुंबई में नए साल के जश्न की मनाही, सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ नहीं जुटाने के निर्देश। मुंबई में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 नए मरीज, देश के 21 राज्यों में 961 से ज्यादा मामलों की पहचान। दिल्ली में भी एक दिन में करीब दोगुने हुए कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1% से ऊपर। दिल्ली में अभी जारी है कोरोना का येलो अलर्ट, मेट्रो 50% क्षमता से चलने के कारण स्टेशन के बाहर लंबी कतार। दिल्ली में कोरोना के चलते दुकानों के ऑड इवन नियम पर सख्त एक्शन, पहले दिन 4 दुकानें सील, 180 दुकानदारों का चालान। राजस्थान में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, राजधानी राय जयपुर में एक दिन में कोरोना के 88 नए मरीज। केरल में भी नाइट कर्फ्यू लागू, रात 10 बजे तक खत्म करना होगा नए साल का जश्न। गोवा में भी पाबंदियों का ऐलान, क्लब और बार में 50% क्षमता से नए साल का जश्न मनाने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच शिमला में डराने वाली तस्वीर, नए साल के जश्न के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए मामले, एक दिन में 19 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री, स्पेन से लौटे शख्स में संक्रमण की पुष्टि। देश में कोरोना के नए मामले 13,000 से ज्यादा, 268 की मौत। पीएमसी ने मुंबई में अर्जुन कपूर के घर को किया सैनिटाइज, एक दिन पहले पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। नोएडा में कोरोना के 21 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 99। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए केस, यहां 75 सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 473 एक्टिव केस, लखनऊ में कोरोना के 90 सक्रिय मामले। पाली में सड़क पर पड़ी मिट्टी के ढेर से टक्कर के बाद उछला बाइक सवार, चल रहा था गैस पाइप डालने का काम। नैनीताल में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, 0 से नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, बर्फ की परत जमने से मुगल रोड 3 महीने के लिए बंद। नए साल में उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जताया 5 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान। जयपुर में सर्द हवाओं ने गिराया पारा, नाहरगढ़ पार्क में जानवरों के लिए लगाए गए हीटर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार गोते लगा रहा पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। दार्जिलिंग में 10 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर की मस्ती। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर हुई बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी समेत ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी, जमा हुई आधा फिट मोटी बर्फ। टिहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांवों में बर्फबारी, पूरे इलाके में जमी सफेद परत। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, हल्द्वानी में करेंगे एम्स का शिलान्यास। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में पीएम की रैली, 17,500 करोड़ की 23 योजनाओं की बांटेंगे सौगात। यूपी में चुनाव आयोग के दौरे का तीसरा दिन, आज मुख्य सचिव और DGP के साथ होगी बैठक। कन्नौज में बीजेपी सांसद का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने राम मंदिर बनाया इसलिए मुसलमान नहीं देंगे वोट। हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे, जिसको वोट देना गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी में ताबड़तोड़ अभियान, मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में करेंगे रैलियां। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को बताया दलदल और कोरोना महामारी के दौरान विपक्षी नेताओं पर मढ़ा गायब रहने का आरोप। यूपी के सीएम
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, खुद भी की नई बस में सवार। कानपुर मेट्रो के मोती झील स्टेशन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा, मंगलवार को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। कानपुर में पीएम की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं पर हिंसा की साजिश का आरोप, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। पीलीभीत में देर रात जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद जुटी भीड़। कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान हंगामा, मंच पर आपस में ही भिड़े नेता। आगरा के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से की बात। फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम के दौरान भड़की एक छात्रा, प्रियंका से नहीं मिलने दिया तो मंच पर चढ़कर लगाई आवाज। प्रियंका ने सुनी छात्रा की शिकायत, महिलाओं के लिए कांग्रेस का एजेंडा रखा सामने। फरुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, पीयूष जैन पर छापे को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी के वार पर अखिलेश का पलटवार, बोले नोटबंदी के बावजूद कहां से आ गया काला धन। पीयूष जैन के घर से बरामद सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन होने का अंदेशा, डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत दर्ज किया केस। 178 करोड़ कैश के अलावा पीयूष जैन के घर से जब्त हुआ 23 किलो सोना, दुबई में बनी ईंटों को स्विस कंपनियों के जरिए भारत में तस्करी करने का शक। कानपुर में करोड़ों की काली कमाई में गिरफ्तार पीयूष जैन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, टैक्स काटकर सारा पैसा लौटाने की अपील। मालेगांव धमाके को लेकर नए खुलासे पर तेज हुई सियासत, चुनावी रैली में सीएम योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की रायबरेली में रैली, सरदार पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई पर सुलगी सियासत, प्रियंका गांधी ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर है अरविंद केजरीवाल, आज चंडीगढ़ में निकालेंगे जुलूस। पंजाब चुनाव में सीएम के चेहरे के बिना उतरेगी कांग्रेस, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ का ऐलान। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, पंजाब से आए शिक्षकों का हल्ला बोल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी। श्रीनगर में सड़कों पर उतरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, परिसीमन को लेकर जताया विरोध। जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, रियल स्टेट सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा चुनाव के लिए टीएमसी ने झोंकी ताकत, अभिषेक बनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में की पूजा। आज मणिपुर में चुनावी होंगे, भरेगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी युवा रैली को करेंगे संबोधित। नागालैंड के मोन में हुई हिंसा के मामले में शुरू हुआ एसआईटी का एक्शन, सेना के जवानों से आज से शुरू होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रजेश यादव की विधि जुबान, कांग्रेस नेताओं की जानवरों से की तुलना। आंदोलन के बाद खेती करते दिखे राकेश टिकैत, ट्रैक्टर चलाकर नकली किसान होने के आरोपों का दिया जवाब। लालू के बेटे तेज प्रताप पर चुनाव आयोग का एक्शन, संपत्ति का ब्यौरा छिपाने के मामले में एफआईआर दर्ज। जीएसटी दरों में इजाफे का कपड़ा कारोबारी कर रहे हैं विरोध, आज अहमदाबाद में बाजार रहेंगे बंद। बजट की तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय, आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे निर्मला सीतारमन। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य कैंप में मचा हंगामा, नशे में धुत डॉक्टर ने खड़ा किया तमाशा। पंजाब के बरनाला में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, अवैध कब्जा हटाने के दौरान जमकर हुआ बवाल। महाराष्ट्र के पिपली चिंचवड़ में ढोंगी बाबा गिरफ्तार, महिला से अश्लील हरकत करने के आरोप में एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने देर रात किया दहशतगर्दों का सफाया, घर में छिपे थे आतंकी। अनंतनाग के नौगाम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद, एक जख्मी। एक मकान में 2 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा, सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने निकाले रास्ते में बिछाए नुकीले भाले। सहारनपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, 27 मरीजों की आंख में हुआ इन्फेक्शन। रायसेन में घूसखोर एसडीएम पर लोकायुक्त का एक्शन, 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। कोयम्बटूर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों को बड़ी कामयाबी मिली, एक यात्री के पास से करीब 6 करोड़ के हीरे जब्त। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा झांसी का रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। हरदोई में
मीट कारोबारी की हत्या, भीड़ ने दो हमलावरों को घेर कर पीटा। मुंबई के दहिसर इलाके में दिनदहाड़े बैंक लूट, लुटेरों ने बैंक कर्मचारी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बकरी चराने के विवाद में महिला की हत्या, नाबालिग आरोपी ने एक बुजुर्ग समेत दो लोगों को कुएं में भी फेंका। सहारनपुर में टोल के विवाद में मचा हंगामा, महिला टोल कर्मचारी और महिला कार चालक के बीच जमकर मारपीट। गाजीपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या, मामूली बात को लेकर हुआ था पड़ोसियों से विवाद। मुंबई में खुदकुशी के इरादे से रेल ट्रैक पर लेटा बुजुर्ग, महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट पर एनसीसी कैडेट ने चलाया सफाई अभियान, अभिनेत्री आयशा जुल्का भी हुई शामिल। मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया में खूबसूरत रोशनी, नए साल के स्वागत के लिए की गई सजावट। तमिलनाडु पुलिस ने दी नए साल की सौगात, चोरी के करीब 1500 मोबाइल फोन, 2.5 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 200 गाड़ियां मालिकों को लौटाई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव को की जोरों पर तैयारी, बैलों को दी जा रही है ट्रेनिंग। आज तक बेमिसाल 20 साल।